साल 2020 बस खत्म ही होने वाला है। कोरोना वायरस के कहर से जूझ रही दुनिया को 2021 से काफी उम्मीदें हैं। इस बीच नए साल को लेकर तमाम तरह की भविष्यवाणियां भी हो रही हैं, जिसमें मशहूर रहस्यवादी बाबा वेंगा की भविष्यवाणी भी शामिल है। कोरोना महामारी से लेकर भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पर महीनों से जारी तनाव तक साल 2020 को लेकर बाबा वेंगा ने जितनी भी भविष्यवाणियां की वो सही साबित हुई। बुल्गारिया की रहने वाली बाबा वेंगा नेत्रहीन थी, लेकिन कहा जाता है कि वह भविष्य देख लिया करती थी। अपनी सटीक भविष्यवाणियों और फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए बाबा वेंगा दुनिया भर में बाल्कन के नास्ट्रेडमस के नाम से मशहूर हैं। 12 साल की उम्र में अपनी आंख खो देने वाली बाबा वेंगा ने अपनी मौत के करीब 8 दशक पहले ही ऐसी तबाही के संकेत दे दिए थे। इसलिए साल 2021 के शुरू होने से पहले बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों ने एक बार फिर दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के मुताबिक 2021 में दुनिया में भारी उथल पुथल होगी, क्योंकि तीन दिग्गज एकजुट हो जाएंगे और एक ताकतवर ड्रैगन मानवता को बंधक बना लेगा। माना जा रहा है कि ये ड्रैगन चीन हो सकता है, जो एक महाशक्ति बन सकता है। तीन दिग्गज रूस, भारत और चीन हो सकते हैं। साथ ही 2021 में लोगों के पास लाल धन होने की भी बात कही है। पैसे की बात करें तो 100 यूनान और 5000 रूबल के नोट लाल होते हैं। बाबा वेंगा के अनुमान के मुताबिक यूरोप में चरमपंथी मुसलमानों का आक्रमण 2021 में होगा और यूरोप के लोगों को केमिकल हथियारों के जरिए निशाना बनाया जा सकता है। बाबा वेंगा ने 2021 में रूस के राष्ट्रपति पुतिन की हत्या की कोशिश होने की भविष्यवाणी भी की थी। वेंगा की भविष्यवाणी के मुताबिक व्लादिमीर पुतिन की ही सुरक्षा टीम में से एक सदस्य द्वारा उन पर हमला किया जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए की गई बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के मुताबिक आने वाला साल उनके लिए मुश्किलों भरा हो सकता है। साल 2021 में उन्हें व्हाइट हाउस छोड़ना है। बाबा वेंगा ने अपनी भविष्यवाणी में 45वें पोटस के किसी रहस्यमय बीमारी से पीड़ित होने का जिक्र किया था। हालांकि ऐसा नहीं है कि बाबा वेंगा ने 2021 के बारे में सिर्फ डराने वाली भविष्यवाणियां ही की हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि 2021 में दुनिया को कैंसर से मुक्ति मिल जाएगी। रहस्यवादी वेंगा बाबा ने साल 1996 में दावा किया था कि 2021 वह साल होगा जब दुनिया को कैंसर का इलाज मिल जाएगा। उन्होंने कहा था, वह दिन आएगा जब कैंसर को लोहे की जंजीरों में जकड़ दिया जाएगा। बता दें कि अपनी कई भविष्यवाणियों के सच होने के बाद बाबा वेंगा पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो गयी। उन्होंने सन 5069 तक की भविष्यवाणियां की हैं और कहा है कि इसके बाद दुनिया का अंत हो जाएगा। माना जाता है कि बाबा वेंगा ने अमेरिका पर हुए 9/11 के हमले की भी सटीक भविष्यवाणी की थी। बाल्कन नास्ट्रेडमस के रूप में जाने जाने के बावजूद बाबा वेंगा के बारे में कहा जाता है कि उनकी भविष्यवाणियों की सफलता दर लगभग 85% थी। 1980 में रूसी परमाणु पनडुब्बी कुर्स्क के डूबने की भविष्यवाणी करने का श्रेय भी बुल्गेरियन फकीर को दिया जाता है।